नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। यूपी के ज्यादातर जिलों में शाम तक बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। लखनऊ में झमाझम बारिश ने उमस से दी राहत, अगले दो दिनों तक बारिश होने की संभावना। दो दिनों से तेज धूप और उमस से परेशान लोगों को दोपहर बाद बारिश होने से राहत मिली है। हालांकि शहर के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई है, लेकिन बादल होने से मौसम सुहावना हो गया है। ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक मौसम में बदलाव की बात कही है। लखनऊ में गुरुवार को तापमान 33 डिग्री था, जो शुक्रवार को मौसम में आए बदलाव के कारण गिरकर 31 डिग्री हो गया है। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश होने की संभावना है, तापमान में कमी होगी। इंदिरानगर, गोमतीनगर व हजरतगंज समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। वहीं कृष्णानगर, तेलीबाग में हल्की बौछार ने लोगों को उमस से राहत दी है। किसानों के लिए भी यह मौसम बदलाव की नई आशा लेकर आया है। वहीं यूपी के ज्यादातर जिलों में आज शाम तक बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। बारिश की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी यूपी तक बनी हुई है। मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वो जिले हैं कासगंज, बदायूं, संभल, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, बरेली, पीलीभीत, मेरठ और बागपत। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक ज़्यादातर हिस्सों में शाम तक बारिश होने का अनुमान है। बारिश की संभावना पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक बनी हुई है। कई जिलों के लिए तो तेज बारिश और आंधी का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जिन शहरों में दोपहर तक बारिश होने की संभावना है, वो जिले हैं इटावा, औरैया, जालौन, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, कन्नौज, फर्रुखाबाद, उन्नाव, प्रयागराज, भदोई, मिर्जापुर, रायबरेली, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, अयोध्या, जौनपुर, वाराणसी, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली और सहारनपुर। इन जिलों में बारिश के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके चल सकते हैं। दूसरी तरफ कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि हवा के तेज झोंके और बारिश के दौरान लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वो जिले हैं कासगंज, बदायूं, संभल, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, बरेली, पीलीभीत, मेरठ और बागपत। इन जिलों में बारिश के दौरान 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जाहिर की गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में हुई बारिश की बात करें तो मेरठ में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मेरठ में 40 मिलीमीटर जबकि नजीबाबाद में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बाकी शहरों में कोई बारिश नहीं दर्ज की गई है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जैनमणि बताते हैं कि इस साल बंगाल की खाड़ी से उठने वाली पूर्वी हवाओं और नमी से बनने वाला सिस्टम कमजोर रहा है। पिछले साल ऐसे 5 सिस्टम बने थे, जबकि इस बार केवल 2 ही बने हैं। इसलिए इस बार अगस्त में मॉनसून हल्का रहा है और बारिश भी कम दर्ज की गई है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।